Hi everyone, welcome वेलकम टू channel. चैनल आज मैं आपको बताऊंगी स्किन केयर रूटीन फॉर सेंसिटिव स्किन मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं मैम सेंसिटिव स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बताइए सो गाई सेंसिटिव स्किन टाइप नहीं होता है सेंसिटिव स्किन स्किन कंसर्न होता है किसी वजह से आपका स्किन सेंसिटिव हो जाता है और विद टाइम जब आप सही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपका स्किन ठीक हो जाता है यूजली जो स्किन के टाइप्स होते हैं वो ऑयली नॉर्मल एंड ड्राई होते हैं उसके बाद जो भी स्किन like, like, बोलते हैं ना कि मेरा स्किन इरीटेटेड है टेक्सचर आ गया है बंपी हो गया है सेंसिटिव हो गया है ये सारे स्किन के कंसर्न हैं जो अच्छे से ट्रीट किया जाए तो ये सारे कंसर्न ठीक हो जाते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉर सेंसिटिव स्किन सेंसिटिव स्किन कोई भी स्किन टाइप वालों को हो सकता है ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकता है नॉर्मल स्किन भी सेंसिटिव हो सकता है और ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकता है मैं सारे स्किन टाइप वालों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बताऊंगी स्टार्ट करते हैं क्लेंजर अगर आप सही क्लेंजर यूज करेंगे ना और सही तरीके से यूज करेंगे ना तो आपका आधा जो स्किन का प्रॉब्लम है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा कई बार ऐसा होता है कि हम सही फेस वॉश यूज नहीं करते हैं जिससे हमारा स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है और वो हमारे स्किन को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है अगर आपका ऑयली स्किन है सेंसिटिव ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव नॉर्मल स्किन है तो आप यूज करेंगे सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश लाइक ऑयली से नॉर्मल वाले अगर नॉर्मल से ड्राई है तो आप यूज करेंगे मिनिमलिस्ट का एक्वापोरिन बूस्टर फेस वॉश और अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप सिंपल का क्रीम क्लेंजर यूज कर सकते हैं या फिर मिनिमलिस्ट का ओट क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से चेक कर लीजिएगा अब आता है सरम सरम क्या होता है यूजली फेस को के कंसर्न को ट्रीट करने के लिए होता है जब आपका सेंसिटिव स्किन होता है तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव यूज नहीं करना होता है आप आप कम एक्टिव यूज़ करेंगे और ऐसे एक्टिव्स यूज़ करेंगे जो आपकी स्किन कंडीशन को हील करें सो गाइज फॉर द फॉर दी ऑयली सेंसिटिव स्किन आप यूज़ कर सकते हैं फाइव परसेंट प्लम का नाइसनामाइड सीरम या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सुगंधा का हेलोरॉनिक एसिड सीरम अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हेलोरॉनिक एसिड सीरम आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा आपका डिहाइड्रेटेड स्किन है ना तो उसके लिए आप पहले हेलोरॉनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं फिर आप नाइसनामाइट सीरम यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आप थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आप मिनिमलिस्ट का 5% परसेंट नैसना सिरम भी यूज़ कर सकते हो उसमें एलोवेरा जूस होता है सो मेक श्योर आपको एलोवेरा जूस या एलोवेरा जल से एलर्जी नहीं होना चाहिए अगर वो है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका एंटी एजिंग कंसर्न है या स्किन ब्राइटनिंग का कंसर्न है तो आप यूज़ कर सकते ब्यूटी एंड जोसान का ग्लो डीप राइस सिरम उसका मैं यहाँ पर फोटो डाल दूंगी ये भी काफ़ी अच्छा सिरम है इसमें अल्फ़ा आरब्यूटिन है जो स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है सो so गाइज ये हैं कुछ सरम्स जो काफी सेफ होते हैं आप कोई भी फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट यूज करिए हाइलोरॉनिक एसिड काफी अच्छा होता है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नैसना माइट काफ़ी अच्छा होता है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सो so, ट्राई करिएगा आप कोई भी ब्रांड का अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं मेक श्योर sure कि वो फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए उसके बाद मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर में अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप सेरावी का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं आपका थोड़ा सा ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राइव है तो आप डॉटिन की का सेरामाइड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो आप सिंपल सिंपल का simple का ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपका uh, एक ऑयली स्किन है ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप प्लम का राइस एंड नाइसनामाइड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है वेरी सूदिंग वेरी हाइड्रेटिंग एंड बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होता है एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री गाइज सो बहुत अच्छे से आपके स्किन पे वर्क करेगा सो so, ये थे कुछ के ऑप्शन उसके बाद आ, आता है सनस्क्रीन अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करेंगे क्योंकि मिनरल सनस्क्रीन में केमिकल्स ज़्यादा नहीं होते हैं तो वो आपके स्किन को इरीटेट नहीं करते हैं सो so फर्स्ट आप डी का ये वाला मिनरल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं या फिर आप आ, तो शेड्स का मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं सो so, ये दोनों काफ़ी अच्छे सन्स्क्रीन इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं एंड इनके इन्ग्रीडियंट्स काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी सेफ हैं तो आप ये दो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं अब आप मुझसे पूछेंगे मैम अगर मुझे कोई टोनर अप्लाई करना है तो मैं कौन सा तो, टोनर अप्लाई करूँ या फिर मेरा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन है तो मैं कौन सा यू uh, नो you know, एसेंस एसेंस अप्लाई अप्लाई सो आप स्नेल म्यूसिन कर सकते हैं काफी सेफ होता है और आपके स्किन आपके डल डिहाइड्रेटेड स्किन को काफी ग्लोई एंड अच्छा बना देगा अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप यूज कर सकते हैं प्लम का नैसेनामाइट टोनर और आपका ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन है नॉर्मल टू डिहाइड्रेटेड ड्राई स्किन है तो आप यूज कर सकते हैं स्नेल म्यूसिन कॉजारेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस या फिर कॉजारेक्स का प्रॉपलिस भी काफ़ी अच्छा है एसेंस सो गाइज काफ़ी सूदिंग काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है और गाइज उसके बाद आ, नाइट टाइम में आपको फेस को डबल क्लिन जरूर करना है क्योंकि आप मिनरल सनस्क्रीन लगा रहे हैं ना तो मिनरल सनस्क्रीन जो होता है वो फेस वॉश से अच्छे से रिमूव नहीं होता है तो आप कोई भी क्लिनजिंग ऑयल यूज़ कर लीजिए मैं प्लम का सजेस्ट करूँगी या फिर आप डॉटन की का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल का एक है बहुत अच्छा अभी आउट ऑफ स्टॉक है मैं यहाँ पे फोटो डालूंगी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं सो गाइज़ एंड डीकंस्ट्रक्ट का भी आप ये बाम यूज कर सकते हैं ये सारे काफी सेफ ऑप्शन हैं तो आपको डबल क्लिनस करना है एंड फिर नॉर्मल आप सिरम अप्लाई करिए एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए एंड सो जाइए ये वाला स्किन केयर रूटीन आपको एक महीने तक फॉलो करना है एंड यू विल सी दी डिफरेंस गाइज क्योंकि आपका जो सेंसिटिव स्किन है वो धीरे धीरे हील होने लग जाएगा वो खुद ही रिजल्ट समझ आ जाएगा सो so गाइज ये था मेरा वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टिल देन की वॉचिंग बाय बाय